नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पे भी एक्सीडेंट के डिटेल शेयर कर सकते हैं और सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। टाटा नेक्सॉन इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार क्यों है, इस बात को दिखाने वाले कई सारे एक्सीडेंट चैनल पर हम पहले भी देख चुके हैं। टाटा मोटर्स फिलहाल सेफ्टी के मामले में मार्केट लीडर है, जो काफ़ी सारी सेफ कार्स एक अफोर्डेबल प्राइस पर भारतीय जनता को प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड इसी रीजन से रतन टाटा सर और टाटा मोटर्स को ऐसी सेफ कार एक अफोर्डेबल प्राइस पर बनाने के लिए हम लगातार उन्हें अप्रिशिएट करते रहते हैं। एंड येट अगेन टाटा नेक्सॉन ने चार लोगों की जान बचाई। ये वीडियो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर किया गया था, आप भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो कर एक्सीडेंट के डिटेल्स वहाँ भेज सकते हैं और कुछ नई पोस्ट भी वहाँ देख सकते हैं। एक्सीडेंट मिस्टर अलमिन अहमद ने शेयर किया था, वो लाइव विटनेस थे इस एक्सीडेंट के, जिन्होंने खुद अपने सामने अपनी आंखों से यह एक्सीडेंट देखा। यहाँ मिस्टर अहमद बताते हैं कि टाटा नेक्सॉन काफी ज्यादा स्पीड पर थी और कार में चार लोग थे। कार में ड्राइवर शायद प्रॉपरली रेस्टेड नहीं थे, एज ये पोस्ट एक दो पिक्चर्स के साथ फेसबुक पर भी शेयर करी गई थी और वहाँ ये रीज़न बताया गया था कि यहाँ ड्राइवर की आंख लग गई थी, जिस वजह से ड्राइवर यहाँ लेफ्ट टर्न नहीं काटे और गाड़ी सीधे जाके नीचे गड्ढे में गिरी। एज पर मिस्टर अहमद जो लाइव विटनेस थे, उन्होंने बताया यहाँ कार लगभग 50 से 60 फीट नीचे गई थी इस एक्सीडेंट में। थैंकफुली हाई स्पीड में 50 से 60 फीट नीचे गिरने के बाद भी कार में चारों पैसेंजर्स यहाँ सेफ बच गए। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जो मिस्टर अहमद ने हमसे शेयर किया है। कार में भी डैमेजेस यहाँ फ्रंट से काफ़ी हैं, जिसमें बोनट मुड़ा हुआ आप देख सकते हैं और ये डैमेजेस इंजन कंपार्टमेंट तक भी पहुँची हैं, पर केबिन यहाँ पूरी तरह से इंटैक्ट रहा और एयरबैग्स भी डिप्लॉयड आप देख सकते हैं। तो सभी पैसेंजर्स को यहाँ सेफ रखने में इस कार की बिल्ड क्वालिटी का बहुत बड़ा हाथ है। अब कुछ लोग आज भी किस्मत के भरोसे चलते हैं, ना कि बिल्ड क्वालिटी के भरोसे, तो ऐसे लोग उतना ही रिस्क लेते हैं जितना कि आँख पर पट्टी बांधकर पीछे सड़क पर चढ़ना और फिर कहना किस्मत में होगा तो मरेंगे, नहीं तो बच जाएंगे। तो प्लीज़ किस्मत के भरोसे रहना छोड़कर एक सेफ़ ड्राइविंग और सेफ कार पर भरोसा रखिए, क्योंकि यही दो चीज़ें आपको एक्सीडेंट में सेफ रखती हैं। और जब भी कार चलाएं, स्पेशली अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, तो प्रॉपर रेस्ट ज़रूर लें। इस बात को पहले भी कई बार मैं अपने वीडियोस में कह चुका हूं कि नींद की एक झपकी ना सिर्फ आपके लिए बल्कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। एंड प्लीज़ अवॉइड ओवर स्पीडिंग, एज मिस्टर अहमद ने यहाँ भी बताया कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर थी नीचे गिरते वक्त। तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी ने चार पैसेंजर्स को यहाँ बचा लिया, पर अगर कोई अनसेफ कार यहाँ होती तो क्या होता आप सोच सकते हैं। वैसे सबक ड्राइवर और पैसेंजर्स को यहाँ भी मिला होगा और आगे से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो काफी हाइट से हाई स्पीड में गिरने के बाद केबिन का इस तरह से इंटैक्ट रहना, इस बात को दोबारा प्रूफ करता है कि टाटा का लोहा और कबीर का दोहा वाकई लाजवाब है। सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए या फिर किस्मत के भरोसे बैठे रहिए, चॉइस आपकी है। क्योंकि जो यूट्यूबर सेल्समैन आपको कोई भी कार रिकमेंड करते हैं, उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कई बार उन्हें पेमेंट किया जाता है ताकि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहा जाए। इसलिए टाटा की कार का नाम लेने में कई फर्जी लोग जीप दिमाग का साथ नहीं देती, वहीं अनसेफ गाड़ियों को सबसे अच्छा बताकर उनकी मार्केटिंग की जाती है। बाकी इन एक्सीडेंट्स और ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट्स तो कुछ और ही दिखाते हैं। तो आप खुद समझदार हैं सही गलत समझने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।